गाइस प्लीज फॉलो फॉलो नॉट फॉलो मी फॉलो मलिक वकार यूट्यूब चैनल एंड सो मैनी लाइक्स एंड सो मैनी सब्सक्राइबर्स प्लीज फॉलो जी। इस वक्त 3 बजने वाले हैं और अभी मैं जो है ना बिस्तर से उठाऊं और सबसे पहले जो है ना मैं अपना बैग रेडी करने लगा हूं। आज ऑफिस नहीं जाना लेकिन जो है ना सबसे पहले जिम जाएंगे और भाभी ने जो है ना माशाल्लाह से मेरा जो है ना कल तौलिया धो के रख दिया था तो ये तौलिया और कपड़े प्रेस करके रेडी कर दिए जिम के लिए तो ये बैग में डालते हैं। इसके अलावा शूज़ बोतल परफ्यूम और जो है ना ये सब सामान जो है ना ऑलरेडी है तो सिर्फ बैग में कपड़े डालने। लेकिन उससे पहले जो ना पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ क्योंकि बस भी कुछ नहीं खाया तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं। अस्सलाम जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग और उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत होंगे, जहाँ भी होंगे खुश खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो चैनल पर नए आने वाले लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती तो लाइक करें, इसके अलावा घंटे का बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि जो भी मेरे अपकमिंग व्लॉग्स हों उनसे आप बाखबर रहें। तो एक बार आइसक्रीम वाला भी अभी आ गया और इसकी घंटियाँ स्टार्ट हो गई। तो खैर अभी जो है ना सबसे पहले जिम जाने से पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और गाइस अभी जो है एक मंथ बाद ही डाइट स्टार्ट होगा, मतलब जिस डाइट होती है प्रॉपर जिम की। तो अभी फिलहाल स्टार्ट नहीं की, फिलहाल जो मतलब सब कुछ खा पी रहा हूँ लेकिन फिर ख्याल रखना वही चीज़ों का, बिरयानी वगैरह चावल वगैरह ये थोड़ा, बिरयानी तो मुझे पता नहीं कब लास्ट टाइम खाई थी, तो ये चीज़ें भी ख्याल रखना। लेकिन डाइट स्टार्ट करनी है तो उससे पहले प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए कि डाइट। तो चलिए अभी पहले सबसे पहले देखते हैं कुछ खाने के लिए क्या चीज़ अवेलेबल है और फिर मिलते हैं आपसे फिर एक बार। तो अभी बाहर जा रहा हूँ गाइस, फिर बाहर स्पीकर लेके घूमे ना इनको ठीक करने, मुझे ब्लॉग ही नहीं बनाने दे रहे भाई, ब्लॉग स्टार्ट किया पिछले स्पीकर में बोलते स्टार्ट किया। हाँ बेचा है, पता क्या बेचा है, तो कहीं मजाक करा कुछ देने बाहर से बर्गर बनाने तो बन नहीं है बन, और जो है खीरा लेने जा रहा हूँ बाहर। तो गाइस बाहर से बर्गर के लिए बन पकड़ के ले आए और अभी देखते हैं फ्रिज में जो है ना चिकन पेटीज हैं तो ठीक है, वरना जो है कबाब अबू ने बना करके थे वही यूज़ कर लेंगे। तो भाई मेरे जो बड़े भाई साहब ना बड़े दुश्मन है ना इन चीज़ों के, चिकन पेटीज वगैरह हो अगर रख दो ना फिर वो जो है ना फिर वापस नहीं मिलते। लेकिन खैर अभी जो है ना एक आध मिल गए जो कि मेरे लिए एक बर्गर बन सकता है क्योंकि अभी थोड़ा बहुत खाने और फिर एक्सरसाइज भी करनी है। और अभी बर्गर शर्गर खाते हैं और अंडे वापसी आगे खाएंगे क्योंकि जिम के बाद प्रोटीन की ज़रूरत है, तो अंडे वापसी आगे खाएंगे। तो अभी बर्गर शर्गर खाते हैं और बनाते हैं भाभी के साथ मिलके बर्गर। Few moments later. दिन में जो है ना बर्गर शर्गर खा के जो ना सो गया था और जो ना काफ़ी बार गर्मी हो रही थी तो मैंने सोचा शाम में जाऊँगा, तो इस वक्त 6:30 बजे तो अभी जिम जाने से पहले ना मैंने सोचा चाय वाय पी लेते हैं क्योंकि नींद भगाने के लिए चाय जो है ना ज़रूरी है, कॉफ़ी तो ऑफिस में मिल जाती है, चाय बन रही है और चाय बनाई है भाभी और साथ ही साथ चाय के साथ यहाँ बन रहा है कस्टर्ड। तो ये कस्टर्ड की रेसिपी है, तो भाई ये कस्टर्ड की रेसिपी है तो यहाँ पर दूध बॉयल हो रहा है विथ बादाम किशमिश इलायची बादाम किशमिश है नहीं। तो किशमिश नहीं है भाई, तो इसमें जो ना अभी कस्टर्ड रेडी होगा तो जिम के बाद ही आगे खाएंगे, अभी फिलहाल चाय पी लें। और यहाँ पर गर्मा गर्म जो है ना भाभी के हाथों की दूध पत्ती गर्म चाय, दूध ठोक के पत्ती रोक के रेडी हो रही है, तो चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं और आज जो भी रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ जो है ना चैनल पर नए आने वाले लोग से रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, इसके अलावा घंटे बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दें। मिलते हैं आपसे जिम पहुंच के।
अभी पहुंचे हैं घर और घर पे जल्दी से जो है ना अभी शदीद भूख लगी है, कुछ खाने को रखा है तो वो खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अम्मी नहीं ऑफिस से? अंदर है भाभी के। अच्छा, भाभी के रूम में जी। वही अम्मी ने बोला कि मुझे पिक करके जाना, तो इसलिए जिम से मैं घर आया हूँ और अभी पहले कुछ खा लेते हैं, इस वक्त शदीद भूख लगी है और फिर जो अभी को पिक करके निकलेंगे। ओह गाइस, व्हाट अ नाइस प्रेजेंटेशन, क्या ज़बरदस्त भाभी ने जो ना कस्टर्ड बनाया, ऊपर रेड चिली बनाई है और ज़बरदस्त। फर्स्ट टाइम बनाए? कहीं वीडियो वगैरह देखी थी आप खुद से ही? नहीं, खुद से। वाह यार, ये बीच में बादाम है और साइड पे बादाम है और ये किशमिश है। यस, किशमिश है, ऊपर मैंगोज भी हैं। क्या ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त यार। तो गाइज, आपको अगर भाभी का बनाया हुआ फर्स्ट टाइम जो कस्टर्ड इन्होंने बनाया है पसंद आया तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल जल्दी से कस्टर्ड, अभी आप जो ना ऐसे थोड़ी खाऊंगा, कोई कप शप कोई कटोरी छटोरी दें चम्मच के साथ, तो जल्दी से कस्टर्ड ही खाते हैं और फिर जो ना निकलते हैं मुस्तफ़ा के घर। अंदर पढ़ो, अंदर पढ़ो। आप अगर दरवाजे को धक्का दे देते तो हमें अंदर ना आना पड़ता। आप अगर मुझे वहाँ से बोल देते ना ऊपर से कि दरवाजे को धक्का दो तो आपको नीचे ना आना पड़ता। कैसी हो? नहीं, आपको ये बात पहले से पता थी। कैसी हो? और ये तो ऊपर से करिए, हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। ऊपर से अंदर से बोल तो लो, पसीने क्यों आ रहे हैं, क्या कर रही थी तुम? वो हम खेल रहे थे और आप पता नहीं कहाँ से आ गए। मैं जो है ना आसमान से एक बारिश का कतरा आया जो आपको लेके आ गया। अरे कहना क्या चाहते हो? चलो भाई, अम्मी जो है ना, अम्मी को दिखाए, अम्मी माशाल्लाह जो है ना फुल तैयार हो गई है और पूरा आधा घंटा मुझे वेट करना पड़ा है। हालांकि मैंने खाना वाना खा लिया था और कस्टर्ड भी खा लिया था और उसके बाद जो है ना 5-10 मिनट और वेट करना पड़ा। भाई मुस्तफा कैसे हो? बहुत अच्छा हो। बहुत अच्छे हो, मिलो से गले तो मिलो यार, घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, पहले आपने घबराना नहीं। ठीक है, मैं नहीं घबराऊंगा, बहुत दिनों बाद मुस्तफा की ख्वाहिश पूरी होने वाली है, आज ही हारने वाला है। अच्छा, अबे आज प्लेयर ज्यादा है, अभी तुम्हारी टीम में फातिमा होगी या होगी? मैं आपकी टीम में हूं। मेरी टीम में फातिमा, आप जो है ना फातिमा ही बने, फातिमा जो है ना फातिमा मुस्तफा की टीम में। ठीक है मुस्तफा, चलो प्लेयर। ठीक है, चलो भाई मुस्तफा की बहुत दिनों से ख्वाहिश थी, मुझे जब भी कश्मीर से कॉल करते थे तो बोलते थे यार मुझे हारने का दिल कर रहा है। मैं क्या करता? आप कहते थे स्पेशली मुझसे हार लो। अच्छा, मेरी बात सुनो, आप इतने दिनों से आए हम यार, सो सॉरी। अब आया हूँ ना तुमसे, मैं जो है ना तुमसे मिलने आया हूँ ना, और सब ठीक है ना? ठीक है। चलो भाई डन है। अच्छा, तो चले गाइस, अभी जो है ना हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर मिलते हैं कुछ ही देर बाद। चलो अरे कैमरे में वो कर दो, हाथ मार दो भाई। मैच जो है ना थोड़ी देर के रुक दिया गया क्योंकि इस वक्त जो ना ग्राउंड में जो है ना आयो आगे पकड़ो, अभी देखना आयो मामू, आयो मामू, कम कम मामू को मिट्टिया ने कम कम सीटी और कम आर यू हैप्पी? यस आई एम हैप्पी। मामू जो है ना आयो को जो है ना शख्स डुडू लगा के देखा, क्यों हम पार्टी करेंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो पार्टी करते हैं, सिटियर पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे, शख्स डुडू लगा के। गिव मी फोन। मुस्तफा की ख्वाहिश पूरी हो गई और मुस्तफा ने मुझे 5-4 से जीत गए हम। वेल प्लेड बाय द वे भाई, हम आपके कीपर तो टेंशन में होते हैं। मेरे कीपर को ना इंजर्ड कर दिया था, ये मेरी कीपर है, इसको इंजर्ड कर दिया था, कभी गाने गा रही है कभी क्या कर रही है, मैं क्या करूं। चलो भाई, आप मैदान में जो ना वापस आए तो हाँ, ये क्या सोच रही है बकार भाई की एक चप्पल घूमे पीछे तो बकार भाई ने गोल मार दी। क्यों देखा गाइस, वेल प्लेड यार, 4 गोल्स फातिमा, वेल प्लेड। ओके मोबाइल चेक, वेल प्लेड तैयबा, वेल प्लेड तैयबा, इंजर्ड होगी बेचारी। गाइस बड़े अरसे बाद जो है ना मैं मिलने आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ अल्लाह की रहमत, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा रहा आपका सफर? बहुत अच्छा रहा, ये आयत के हाल में बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा, कश्मीर की वादियाँ बहुत प्यारी वादियाँ थी। अच्छा, बहुत अच्छा, आपको मिस कर रही थी, मैंने कहा अब कार भी होता। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। हां इंशाल्लाह। तो यहां पर जो है ना द वन एंड ओनली सितारा
सितारा यहाँ से। और गाइस कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाओ? ठीक ठाक, मतलब लॉन्ग टाइम, मतलब कितने अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है? आप एक महीना तो आपकी ट्रिप को लग गया, ट्रिप का लग गया। और आधा महीना उससे पहले शायद मुलाकात हुई थी, मतलब डेढ़ महीने बाद आपसे मुलाकात हो रही है। और आपका ट्रिप कैसा रहा? मुझे तो बहुत अच्छा, बहुत मजे का रहा, बहुत ज्यादा मजे का रहा, और पिछली बार से भी ज्यादा इस दफा मैंने बहुत एंजॉय किया। अच्छा, और क्या कहते हैं, यहाँ पर आने के बाद कैसा फील हो रहा है? दिल गार्डन गार्डन से हो रहा है? घर को देख के तो ऐसा ही लगता है अपने, मतलब हम असल में जब वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे तब तो इतना फील नहीं होता था, लेकिन जैसे ही वहाँ से हम निकले, वो जो ग्रीनरी से निकले, फिर ऐसा दिल करता था अभी के अभी घर पहुंचे, और सफर था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम घर आकर पहुंचे तो बस फिर घर तो ऐसे जन्नत की तरह लग रहा, जैसे अभी अभी सब नया लिया। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सबसे जो टफ टाइम आपको, मतलब जो टफ टाइम रहा होगा ना, वो रहा होगा आपका पंजाब में। हाँ, पंजाब में बहुत गर्मी, बहुत गर्मी थी ना वहाँ पर, मुझे बीच में जो है थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई, मतलब आयत आ गई, आयत गुस्सा आ गया क्योंकि आयत इग्नोर रही है। ओके आयत, टेकिंग यू इन माय व्लॉग। ओके ओके, हाउ आर यू? तो गाइज आपकी जो है ना, वैसे माशाल्लाह आजकल आपके व्लॉग भी ना बहुत जबरदस्त आ रहे हैं, और रियली मतलब इंजॉय भी करते हैं, फनी भी होते हैं, और कुछ डिफरेंट भी कर रही हैं आप। हाँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के, साथ साथ मैं खुद बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही हूँ, मैं खुद भी थोड़ा सा घर पे बोर हो रही थी तो इस वजह से, मतलब हाँ एक आपने ट्रैवलिंग की, उसके बाद आपने चैलेंजेस किए, मतलब समथिंग न्यू लेके आ रही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए ना, सुबह सुबह डेली नाश्ता लेकर बैठ जाओ तो ऑडियंस भी बोर हो जाएगी। तो अभी आप थोड़ी सी इंग्लिश बोल के बता दें मेरे व्लॉग में, थोड़ी सी इंग्लिश। गाइस प्लीज फॉलो, नॉट फॉलो मी, फॉलो मलिक वकार यूट्यूब चैनल, एंड सो मैनी लाइक्स and so many subscribers, please follow. Chalo bhai, and now I am enjoying my tea and enjoying the weather, beautiful. Wo sabse acha hua tha, rain ho rahi to this is beautiful weather. Yes, this is beautiful weather and I am also enjoying weather with my tea. Oh, this is beautiful. Khala came to our house. Khala is looking so nice, so beautiful with the red dress. Yeah. Thank you. Mom saying thank you. वैसे माशाल्लाह माशाल्लाह, अब भले आपको इंग्लिश नहीं आती लेकिन आपका कॉन्फिडेंस और जिस तरह से आप बोलती हैं ना, यही काफी है, मतलब यही होना चाहिए। बाकी जो है ना, आपको आपकी टीचर जो हमें पता है, सबको पता है, टीचर टीचर ये सिखाती है ना हमें। हाँ, ये सिखाती है। वही आप कह रही थी कि आपको जो ना इसके साथ रह रहे के जो ना आपको इंग्लिश आधी आ चुकी है। यही थोड़ी बहुत जो भी सीख हुई इन्हीं के साथ आई है, वरना मुझे तो एक जीरो ए फॉर एप्पल आता था। ए फॉर एप्पल कल नहीं वीडियो में बोला है, ए फॉर आई लव यू बोला, ए फॉर आई लव यू, ए फॉर आई लव यू ने बोला है। ओके ओके, चलो वेयर इज योर शूज, गो गो ब्रिंग शूज, गो। आई डोंट नो, आई नो। चलो गाइस अभी फिलहाल आयत को जो ना मैं बाहर लेके जाऊँ, जल्दी कुछ चेक करवाओ। ओके अम्मी, हम लोग चलते हैं थोड़ी देर में। टोपी तो उतार लो, सोशल डिस्टेंस रखने के लिए। ओके अल्लाह हाफिज। सबसे पहले आपने कहा, फिर नेक्स्ट टाइम हराएंगे आपको, देख लेंगे। मेरे कीपर कीपर वकार भाई, आपकी चप्पल गुम हो गई है, वैसे मैंने गोल कैसे हो गया मुस्तफा, सच्ची में मैं बस इस हाल बारी तो बिठाती हूँ, इस बारी तो बिठाती हूँ। चलो ओके ओके।